ये हाहाकार, ये चीख पुकार, अपनों को ढूंढती निगाहें और हर तरफ चीखते चिल्लाते लोग, सिस्टम की लापरवाही और सरकार की उदासीनता का ये नतीजा है जो एक बार फिर से कहर बनकर टूटा है। यह तस्वीर है कानपुर में हुए भीषण हादसे की, जहां एक साथ कई जिंदगियां तबाह हो गईं। नवरात्रि के मौके पर माता के दरबार से हंसते खेलते लौट रहे श्रद्धालु काल के गाल में समा गए। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के निकट भीतर गांव के पास हुए इस हादसे ने यूपी की सत्ता से लेकर दिल्ली तक को झकझोर कर रख दिया। घटना की सूचना पाते ही मौके पर जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों की भीड़ लगने लगी। दुर्घटना स्थल के आसपास एम्बुलेंस के सायरन की शोर गूंजने लगी। लाशों की ढेर में से जिंदा लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। शनिवार को कानपुर के कोरथा गांव के रहने वाले श्रद्धालु एक साथ 50 की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मुंडन संस्कार कराने के लिए चंद्रिका देवी के स्थान पर गए हुए थे और वहां से मुंडन कराकर खुशी खुशी अपने गाँव लौट रहे थे। ट्रॉली में सवार महिलाएं बच्चे किसी अनहोनी से बेखबर माता के जयकारे लगा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल काल मुंह खोले बैठा है। मंदिर से लौटते समय ट्रैक्टर ट्रॉली कानपुर के घाटमपुर के निकट पहुंचती है, जहां साढ़ कस्बे के पास अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा गिरती है। ट्रॉली में सवार महिलाएं बच्चे जलभराव में दब जाते हैं, जहां घुट घुट कर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस भीषण हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचकर जान बचाने की नाकाम कोशिश करने में जुट जाते हैं। यहाँ देखिए, बहुत दुखद घटना ये हुई, जिसमें कैजुअल्टी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, योगी जी ने संज्ञान लिया है और घायलों के परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा और जो मृतक है उनको 2,00,000 रुपए का मुआवजा। और हमारे पूरे टीम, जो हमारी DM है, कमिश्नर है, तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। बहुत फास्ट रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ से लगभग निकाल लिए गए, घायलों को यहाँ लाया गया है। मैं स्वयं, जब मुख्यमंत्री जी ने वहाँ संज्ञान लिया, मिनटों के हिसाब से मैं भी यहाँ पहुँच गया। पूरे तंत्र में यहाँ भी अधिकारीगण मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, प्राचार्य खुद यहाँ पर मौजूद हैं। किसी दुखद घटना को हमको नहीं सुनाएगा, ईश्वर इन घायलों को स्वस्थ रूप में भेजेगा, ऐसी व्यवस्था मैं स्वयं देख रहा हूँ। घाटमपुर हादसे पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों को 2,00,000 और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। साथ ही भविष्य में ट्रैक्टर ट्राली की सवारी करने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। पिछले दिनों लखनऊ में जो घटना हुई, कानपुर की घटना उसी घटना की पुनरावृत्ति है। प्रदेश सरकार ने अब जाकर ट्रैक्टर ट्राली की सवारी पर पाबंदी लगाई है। यही अगर सरकार पहले जाग गई होती तो शायद इन बेकसूर लोगों की जान ना गई होती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।